हेलो, आई एम डॉक्टर हिमांशु कुशवा। मैं वर्क कर रहा हूँ आरजेएन अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर मैं एज अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड डीलिंग विद ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट्स ओवर हियर। आज हम बात करेंगे काफ़ी कॉमन टॉपिक की, दैट इज नी रिप्लेसमेंट। उससे जुड़ी हुई मिथ्स के बारे में थोड़ा समझेंगे और अर्थराइटिस के बारे में समझेंगे। अर्थराइटिस किस किस पेशेंट में होता है, क्या कॉजेज होते हैं, नी रिप्लेसमेंट किन किन पेशेंट्स में ज़रूरी होता है, और जब आप नी रिप्लेसमेंट कराने का डिसाइड करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करें, आप हॉस्पिटल के स्टे के दौरान क्या एक्सपेक्ट करें, और जब आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर जाएं तब क्या एक्सपेक्ट करें। सो प्राइमरीली वील स्टार्ट विथ अर्थराइटिस। वॉट इज अर्थराइटिस? अर्थराइटिस मीन्स जोड़ों का घिसना। उसके लिए, समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है जोड़ बेसिकली नॉर्मल जोड़ क्या होते हैं। ये बोन मॉडल से हम थोड़ा सा हेल्प लेंगे। सो बेसिकली दिस इज अ नी जॉइंट, घुटना। इसमें तीन हड्डियों से ये बनता है। ऊपर वाली जो हड्डी है इसे फीमर बोलते हैं, नीचे वाली हड्डी को टिबिया कहते हैं, और एक घुटने की जो कटोरी होती है जिसे पटेला कहते हैं। घुटने का जोड़ या और बाकी जोड़ भी काफी चिकनी स्मूथ सरफेस से कोटेड रहते हैं। इस सरफेस को कार्टिलेज बोलते हैं, या सरल भाषा में इन्हें चिकनाहट की परतें बोलते हैं। साथ में घुटने में चिकनाहट की कटोरियां होती हैं जिन्हें मेनिस्कस कहा जाता है। अब नी जॉइंट बहुत स्मूथ, अभी स्मूथली एक दूसरे के ऊपर ये ग्लाइड करेगा। जब ये चिकनाहट की परतें घिस जाती हैं तो उसे अर्थराइटिस का नाम दिया जाता है। अब ये अर्थराइटिस होने के क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो एन नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं, वील ओनली डिस्कस सम कॉमन वंस। सबसे कॉमन कारण होता है जो ऑस्टियो अर्थराइटिस कहते हैं अपन, वो उम्र के हिसाब से जोड़ घिसने की वजह से होता है। एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं आपके कार्टिलेज में, कार्टिलेज की थिनिंग होती है, जो चिकनाहट की परतें होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, जल्दी घिसती हैं, जिसकी वजह से घुटना जल्दी घिसता है और अर्थराइटिस डेवलप होता है। द सेकेंड इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इन इजी लैंग्वेज हम उसे गठिया बाई कहते हैं। गठिया बाई की वजह से भी घुटने का जोड़ और बाकी शरीर के जोड़ों में घिसावट आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, पुरानी कोई चोट लगी हो, जिस फ्रैक्चर हुए हो, या घुटने के जोड़ के आसपास लिगमेंट की इंजरी हुई हो या मेनिस्कस की इंजरी हुई हो, उसकी वजह से भी जोड़ का घिसना तेजी से होने लगता है, जिसे अपन ट्रोमेटिक अर्थराइटिस का नाम देते हैं। अब डिपेंडिंग घुटने कितने घिस गए हैं, वी ग्रेड देम फ्रॉम ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। ग्रेड 1 इज द मोस्ट माइल्ड फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, मीन्स ये जो चिकनाहट की परतें हैं ऊपर और नीचे, ये बहुत कम घिसी है, मिनिमम है। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अर्थराइटिस। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ग्रेड 1 अर्थराइटिस के होते हैं, उन्हें दर्द होना या तो होता नहीं है या होना बस शुरू होता है। ये जनरली हम 40 टू 50 ईयर्स के बीच में देखते हैं ऐसा। जैसे जोड़ और घिसते जाते हैं वैसे ग्रेड 2 ग्रेड 3 एंड द फाइनल स्टेज इज ग्रेड 4 अर्थराइटिस, जिसमें जोड़ पूरी तरह घिस चुके होते हैं। इनिशियल ग्रेड्स में, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अर्थराइटिस में हम इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, बट जैसे ग्रेड बढ़ती जाती है, जो घुटना जैसे घिसना बढ़ता जाता है, हम उसे बचा नहीं पाते, तो हमें इसे रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। घुटने की जो चिकनाहट की जो सरफेस है इन्हें हटा के हमें मेटल का घुटना लगाना पड़ता है। अब ये कॉमन किस किन मरीजों में इस नी रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है? या तो घुटना ग्रेड 3 या ग्रेड 4 अर्थराइटिस में घुसा हो, या फिर ये घिसने की वजह से आपके जो डेली के जो काम हैं, डेली एक्टिविटीज हैं, वो हिंडर हो रहे हों, डेली आप पेन का एक्सपीरियंस कर रहे हों, हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार या 3 बार आपको दर्द की दवाई खानी पड़ रही हो, जमीन में बैठने में तकलीफ हो रही हो, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सब अपन को नी रिप्लेस डायरेक्ट करते हैं। अब
आप नी रिप्लेसमेंट के लिए जब आप अपने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तब व्हाट व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट। तो फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं आरजेएन अपोलो ग्वालियर में, व्हाट वी डू, सबसे पहले तो हम आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, कुछ एक्सरेज कराते हैं, स्पेसिफिक एक्सरेज कराते हैं और कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, ऑपरेशन से पहले की जो जांचें होती हैं वो कराते हैं, एंड वी टेक योर फिटनेस फॉर सर्जरी। ठीक है, डिपेंडिंग इसके आगे आपको एडमिट किया जाता है इफ ऑल योर इन्वेस्टिगेशंस आर नॉर्मल एंड वी प्लान द सर्जरी। सर्जरी प्लान करने से पहले हम एक्सरेज में काफ़ी सारी जानकारी हासिल करते हैं, उसकी टेम्पलेटिंग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी प्लान द सर्जरी। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद होने वाले दर्द को भी पहले के हिसाब से आजकल जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो गया है। स्पाइन में हम कैथेटर के द्वारा दर्द की दवाई देते हैं जो आपको ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद भी दर्द 2 से 3 दिन तक दर्द होने से राहत देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स हैं जो आपके मैनेजमेंट को मैं बेनिफिट करते हैं। एक कॉमन डाउट रहता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो ओपीडी में आ रहे हैं मेरे पास उनका, कि सर ये हमारे घुटने ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाएंगे, हम चलने तो लगेंगे। एंड सबके मन में ये सवाल रहता है कि उनके कोई ना कोई रिश्तेदार ने ऑपरेशन कराया था और फिर वो चल नहीं पाए। दीज आर द कॉमन क्वेरीज। देखिए, पहले के जमाने के हिसाब से अगर आज का कंपेयर किया जाए तो काफ़ी नए एडवांसेस आए हैं नी रिप्लेसमेंट में एंड हिप रिप्लेसमेंट में भी, जिनसे हम काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ आर पेशेंट्स आर पेन फ्री, दे आर डूइंग देयर वर्क, दे आर डूइंग देयर जॉब एंड दे आर डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज एंड दे आर हैप्पी। द कॉम्प्लिकेशन रेट हैज रिड्यूस टू अ वेरी लो लेवल। इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड ऑपरेशन से पहले आप ये सारी धारणाएं निकालने की कोशिश करें, क्योंकि पहले के हिसाब से आज में बहुत चेंज है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो घुटने हम बदल रहे हैं उनके भी न्यू टेक्नोलॉजी वाले घुटने हैं, इवन सर्जरी की तकनीकें बेहतर हो गई हैं, सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी बेहतर हो गई है। ये सारी तकनीकों की वजह से वी आर एबल टू गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऑपरेशन के बाद जनरली आपको 3 to 5 days का हॉस्पिटल स्टे किया जाता है। ऑपरेशन वाले दिन आपको करवट लेना, फुट की एक्सरसाइज करना, ये फर्स्ट डे से ही चालू कर दिया जाता है जिस दिन ऑपरेशन होता है। फ्रॉम द सेकेंड डे, ऑपरेशन के दूसरे दिन से, वी अलाउ यू टू बेयर वेट एंड वॉक यूजिंग वॉकर सपोर्ट। आप ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही चलने चलने लगते हैं एंड जो पेन है वो वी मैनेज इट एंड वी कीप इट टू एज लो एज पॉसिबल। आपकी फिजियोथेरेपी चालू हो जाती है फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे। ऑपरेशन के रिजल्ट्स देने का दो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज गुड सर्जरी एंड द सेकेंड इज गुड फिजियोथेरेपी। ठीक है, सो गुड फिजियोथेरेपी इज वेरी असेंशियल टू गेट गुड रिजल्ट्स। फिजियोथेरेपी जनरली हम कंटिन्यू करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 6 to 8 weeks। ऑपरेशन के बाद आपकी ड्रेसिंग होती है ऑन द थर्ड डे एंड ऑन इधर ऑन द थर्ड डे और द फिफ्थ डे आपका डिस्चार्ज हो जाता है, हॉस्पिटल से आप घर जाने के लायक हो जाते हैं। ये फिजियोथेरेपी आप फिर घर पे कंटिन्यू करनी होती है आपको। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो आपको आगे कुछ लंबे समय के लिए लेने पड़ते हैं। वो क्या प्रिकॉशंस होते हैं? फर्स्टली आपके डॉक्टर ये एडवाइस करेंगे कि आप जमीन में नहीं बैठें और इंडियन टॉयलेट का यूज नहीं करें, वेस्टर्न कंबोर्ड वाली जो टॉयलेट होती है उसका यूज करें। थर्डली स्पोर्टिंग एक्टिविटीज आपको मना की जाती हैं, बिकॉज ये जो घुटना अपन रिप्लेस करते हैं इसमें बीच में एक प्लास्टिक की लेयर हम डालते हैं जिसे हम लाइनर कहते हैं।
अगर हम उस पर रिपीटेड स्ट्रेस देते हैं, जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रनिंग और जॉगिंग और प्लेइंग एनी गेम्स लाइक फुटबॉल और टेनिस और बास्केटबॉल इवन, उससे इसकी घुटने की लाइनर की घिसने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज लाइफ टाइम ऑफ योर नी। जनरली एक घुटना राउंड अबाउट 15 to 20 years के लिए लास्ट करता है, बट अगर अपन वही स्पोर्टिंग एक्टिविटीज करने जाएंगे तो ये लाइनर और रैपिडली घिसने लगता है, जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है। सो सच एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड। हाउएवर, नॉर्मल आप लाइफ में जो भी काम करते हैं, नॉर्मल रूटीन वर्क करते हैं, दैट इज टोटली अलाउड। आप ड्राइव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, इवन स्मॉल हाइकिंग भी कर सकते हैं। ऑल दिस डेली ऑर्डिनरी एक्टिविटीज आर अलाउड। इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 2 to 3 months आपका पेन डिमिनिश होता हुआ कंप्लीटली वैनिश हो जाता है, एंड जनरली ये रिहैबिलिटेशन टाइम जो 2 to 3 months का रहता है, इसके बाद आप कंप्लीटली पेन फ्री हो जाते हैं, एंड आपका घुटने का रेंज ऑफ मोशन है, जो घुटना मुड़ना लगता है, वो भी काफी अच्छी डिग्री तक मुड़ने लगता है। अगर आप ये सब मेंटेन करके चलते हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, तो आप अब लॉन्ग टर्म अराउंड 15 to 20 years के लिए अपने दिमाग से सारे टेंशन निकाल सकते हैं, एंड यू विल बी एबल टू लिव अ वेरी हेल्दी एंड गुड लाइफ, इंस्टेड ऑफ जो आप दर्द में सालों साल घुटना घिसने की वजह से दर्द में जी रहे होते हैं। दिस इज अ वेरी गुड सोल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। ओके, सो वी हैव फ्यू ऑडियंस विद अस, वुड यू लाइक टू आस्क सम क्वेश्चंस? नमस्ते नमस्ते सर, जैसे कि आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, तो सर इसकी मैं लोगों को ज्यादा डर होता है कि हमारा घुटना बदल गया, हम नई ठीक से चल पाए, या कई लोग के घुटने बदल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो क्या दोबारा भी नी रिप्लेसमेंट हो जाता है, अगर जैसे आपने बताया जी कि हम करवा सकते हैं जी इसमें कोई? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, नी रिप्लेसमेंट की एज जो अराउंड 15 to 20 years रहती है, आफ्टर दैट अपन को ये ऑपरेशन दोबारा से कराना पड़ता है, जिसे अपन रिविजन नी रिप्लेसमेंट कहते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, जो पुराना जो घुटना जो अपन ने मेटल का लगाया था, जो घिस जाता है इतने सालों के काम करने के बाद, उसे हम रिप्लेस करके नए घुटने से रिप्लेस कर देते हैं। तो दैट प्रोसीजर इज नोन एज रिविजन टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी। दैट इज कैन बी डन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 15 to 20 years। डॉक्टर एक क्वेश्चन और, जैसे कि आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट एक टाइम दर्द वगैरह होता है, मतलब हम स्टेज तक ना पहुंचे, ये इसका कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं कि जी, हमें जो प्रिकॉशन लेने चाहिए, जी जैसे टाइम टू टाइम हम हेल्थ चेकअप कराते हैं, इसका जी भी कोई चेकअप हो जी जो हम स्टेज तक ना पहुंचे? एग्जैक्टली देखिए, नी रिप्लेसमेंट मोस्ट ऑफ द पेशेंट दैट वी सी आर ओबीस फीमेल पेशेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। कोई भी एक्टिविटी जिससे स्ट्रेस घुटने पे ज्यादा पड़ रहा है, उससे घुटने की घिसने की टेंडेंसी बढ़ेगी। सो सच एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड। फर्स्टली योर वेट शुड बी कैप्ट इन अ बीएमआई ऑफ अंडर 25। सेकेंडली, जो एक्टिविटीज स्ट्रेस देती हैं, जैसे जमीन में बैठना, आलती पालती मार के बैठना, उकड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, क्लाइम करना या क्लाइम डाउन करना, इंडियन टॉयलेट का यूज करना, ऑल दीज एक्टिविटीज शुड बी स्टॉप्ड और कैप्ट टू अ वेरी बेयर मिनिमम। ये सारी एक्टिविटीज अपन नहीं करेंगे तो घुटना क्या जो कार्टिलेज है, जो चिकनाहट की परतें हैं, वो लंबे ड्यूरेशन के लिए लास्ट करती हैं। वेलकम। नमस्ते सर, सर मेरा क्वेश्चन था सर कि हम सर मतलब कब तक सर अवॉइड कर सकते हैं टीटीआर को, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप रहता है या जी जी जनरली वी आर डूइंग टीकेआर आफ्टर एन एज ऑफ अबाउट 50 to 60 years। मोस्ट ऑफ आर पेशेंट्स आर मोर देन 50 to 60 years इन होम वी आर डूइंग टीकेआर। इसे अपन इनिशियल ग्रेड्स में जब घुटना कम घिसा होता है, तब प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके इसे अवॉइड किया जा सकता है या फिर इसे डिले किया जा सकता है। वो प्रॉपर ट्रीटमेंट कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस रहते हैं और कुछ मेडिसिन रहते हैं।
All of these, when used in combination, can give good results in grade 1 or grade 2 osteoarthritis. But जब घुटना जब ज्यादा घिस जाता है, जब आप चल नहीं पाते, आपकी daily activities affect होने लगती है, तब ये operation कराना essential हो जाता है. सर ऐसे कुछ होम रेमेडी लाइक घर पे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम ले सकते हैं, लाइक एज अ प्रिकॉशन ले सकते हैं, खाने पीने में कुछ चीजें ऐसी हैं जैसा कि मैंने बताया, जो भी स्ट्रेस वाली एक्टिविटीज हैं वो अवॉइड करें. खाने में आपको बस अपना वेट रिडक्शन पे ध्यान देना है. एनीथिंग दैट इज गिविंग स्ट्रेस टू द नी विल रिजल्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, तो ये चीजें अवॉइड करनी है आपको. खाने पीने में बहुत ज्यादा कुछ प्रिकॉशंस लेने की जरूरत नहीं है. जस्ट दैट यू हैव टू अवॉइड कार्बोहाइड्रेट्स to keep your weight at minimum. Thank you so much. Okay, thank you.